अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, मैं जैद उल्लाह हूँ। आज हम एक्सेल में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कि हम टेक्स्ट को किस तरह बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट को किस तरह हम इटैलिक कर सकते हैं, टेक्स्ट को किस तरह हम अंडरलाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये पहले आप टैब में होम टैब पे जाए, होम टैब पे जब आप जाएंगे तो नीचे आपको बी नज़र आएगा, आई नज़र आएगा और यू नज़र आएगा। तो ये तीन वर्ड्स जो है इसके लिए हम, इस तीन वर्ड्स को हम इस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी बी को बोल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, आई को इटैलिक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और यू को अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल में हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि हम किस तरह बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोल्ड पे जाएंगे, यानी बी फर्स्ट है तो फर्स्ट हम बोल्ड पे जाएंगे, इस कॉलम को हम बोल्ड करेंगे। तो हम किस तरह बोल्ड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस कॉलम को आप सारे सेलेक्ट करें। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप ऊपर जाए और बी के ऊपर क्लिक करें तो देखें ये बोल्ड हो जाएगा। फिर हम कंट्रोल जी करेंगे, अंडू करेंगे और फिर हम इस एंटिटी में एक ख़ास वर्ड को हम बोल्ड करना चाहते हैं तो हम उसी वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे और बी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें जे ए जो है ये बोल्ड हुआ है। जब आप सारी सेल को आप सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड के बी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे बोल्ड हो जाएगा। जितने भी एरिया को आप बोल्ड करना चाहते हो तो आप पहले इनको सेलेक्ट करें, यानी हम इधर तक हम बोल्ड करना चाहते हो तो हम ये सेलेक्ट करेंगे और फिर बी के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह हम बोल्ड करने के लिए हम शॉर्टकट भी इस्तेमाल करते हैं और वो शॉर्टकट क्या है, पहले हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट बोल्ड के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी जब हम कीबोर्ड से दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, सारे को बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह जितने एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही एरिया को वो बोल्ड करेगा। आप यहाँ ऑप्शन से भी, बी से भी आप बोल्ड कर सकते हो और शॉर्टकट के जरिए बी आप कर सकते हैं, यानी कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाएगा। चलिए इटैलिक पे आते हैं। इटैलिक यानी तिरछा, हम इस टेक्स्ट को किस तरह इटैलिक करेंगे। पहले आप इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, जब आप सेलेक्ट करेंगे फिर आप आई के ऊपर क्लिक करें, इटैलिक के लिए शॉर्टकट आई इस्तेमाल होता है। तो जब आप आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ये तिरछा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। फिर हम कंट्रोल जी करेंगे, वापस आ जाएगा। फिर देखें हम सेलेक्ट करेंगे और आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। तो इटैलिक के लिए हम कीबोर्ड से कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, तो कीबोर्ड से हम इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई हमने दबाया तो ये इटैलिक हो जाएगा। फिर अंडरलाइन हम कैसे करेंगे, आप सारे कॉलम को पहले सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो यू आपको नज़र आएगा तो इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये
अंडरलाइन हो जाएगा, यानी सारे वर्ड्स आप देख सकते हैं नीचे, इस वर्ड के नीचे आप देखें ये लाइन ड्रा हुआ है, इसके नीचे भी ये लाइन ड्रा हुआ है, इसके नीचे भी लाइन ड्रा हुआ है, सारे के सारे जो लाइन है और ड्रा हुआ है। अगर आप स्पेसिफिक वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करेंगे, सारे को नहीं करेंगे, तो वो सेलेक्ट करें, यानी हम दो को सेलेक्ट करेंगे और इधर हम यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोनों अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसके लिए इसी तरह हम ये अंडरलाइन करते हैं। फिर ये व्यूअर आप इसके लिए आप शॉर्टकट कौन सा इस्तेमाल करता है, तो पहले आप सारे कॉलम को जितना भी टेक्स्ट है आप इनको सेलेक्ट करें और फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस यू दबाए, तो ये हमने दबाया तो सारे जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हुआ है। तो डियर व्यूअर, आज हम टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करेंगे, इटालिक कैसे करेंगे और अंडरलाइन कैसे करेंगे, तो ये हमने आपको बताया। हम यहाँ से भी जो टैब्स है रिबन टैब्स और रिबन से इधर से हम करेंगे और कीबोर्ड से शॉर्टकट को इस्तेमाल करते हैं, वो कंट्रोल बी बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है और कंट्रोल आई इटालिक के लिए इस्तेमाल होता है और कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। डियर व्यूअर, आज के लिए इतना ही। आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे ये आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्रिप्शन से और लाइक से ये होगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, और अगर आपको ये पसंद आई है तो इसी तरह जो वीडियो है जो हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, तो बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करें तो आपको बर वक्त वीडियो का न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे और आपको लैपटॉप पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, आप इसे पैदा हासिल कर सकते हैं। तो एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए ट्यूटोरियल के में हम सारे जो एक्सेल के मुताबिक जितनी भी वीडियोज है, जितने भी एक्सेल के बारे में वीडियोज है, ये हम सारे के सारे सब रिकॉर्ड कर चुके हैं और नया भी रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको दरख्वास्त है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिल जाएगी। डियर व्यूअर, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।